वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के गेट एग्जाम में दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहां पे नोट कर रखा है बट फिर भी एक बार ही हम स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेसर इज टू पावर पी बाइट्स द वर्ड लेंथ इज टू पावर डब्ल्यू बाइट्स द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमरी इज टू पावर एन बाइट्स साइज ऑफ ईच कैश ब्लॉक इज़ टू पावर एम वर्ड्स फॉर अ केवे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी द लेंथ इन नंबर ऑफ बिट्स ऑफ टैग फील्ड इज ओके सो यहां पे आपको आधा डाटा दे रखा है नंबर ऑफ बाइट्स में बट क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि वन वर्ड वल टू टू रेस टू दी पार्ट डब्ल्यू बाइट्स यानी कि वन वर्ड इक्वल टू वन बाइट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है जब कुछ ना कहा गया हो तो आप डिफॉल्ट एज्यूम कर सकते हो कि वन वर्ड इज इक्वल टू वन बाइट बट यहां पे आपको अलग से बता रखा है कि वन वर्ड इज नॉट इक्वल टू वन बाइट मीन्स यहां पे जो चीजें बाइट्स में गिवन है उन्हें आप पहले वर्ड्स में कन्वर्ट करो सो फिजिकल एड्रेस स्पेस वर्ड्स में कितनी होगी ये होगी टू रेस टू पी बाइट्स डिवाइडेड बाय वन वर्ड है टू रेस टू दार डब्ल्यू बाइट्स ओके सो दिस इज टू रेस टू दार डब्ल्यू देखो पी एस फिजिकल एड्रेस स्पेस इतने बाइट्स की है और एक वर्ड में इतने बाइट्स हैं अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल एड्रेस स्पेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स कितनी है ओके सो दिस कम्स आउट टू बी टू रेस टू दी माइनस डब्ल्यू वर्ड्स अब देखो वन वर्ड है टू रेस टू दब्ल्यू बाइट्स और कैश में है टू रेस टू बाइट्स तो कैश में वर्ड्स कितने होंगे वो हो जाएंगे टू रेस टू दू जितने बाइट्स हैं डिवाइडेड बाय एक वर्ड में कितने बाइट्स हैं कैश में इतने बाइट्स टोटल हैं डिवाइडेड बाय एक वर्ड कितने बाइट्स की है टू रेस टू दब्ल्यू तो कैश में वर्ड जितने होंगे ओके okay. देखो ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं यहां पे टू रेस टू जो यूनिट है वो है बाइट्स ओके okay. यहां पे इस इस डाटा से आप देखो कि एक बाइट कितना होगा वन बाइट विल बी वन बाय डब्ल्यू वर्ड ओके सॉरी वन बाय टू रेस टू पार्ट डब्ल्यू ये टू रेस टू पार्ट डब्ल्यू इस साइड आ जाएगा ओके okay? यानी कि इस बाइट को आप रिप्लेस कर सकते हो वन बाय टू रेस टू पार्ट डब्ल्यू से लाइक like दिस ओके एंड मोर ओवर ये बहुत लॉजिकल है देखो कैश में अगर इतनी बाइट्स हैं और एक वर्ड में इतनी बाइट्स हैं दोनों को डिवाइड कर देंगे हमें यही पता चलेगा कि कैश में वर्ड्स कितने हैं Anyways, ये बहुत बेसिक है हम आगे बढ़ते हैं और आपको आ, कहीं ये भी दे रखा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स ब्लॉक कितने हैं ये रहा ओके okay, तो ब्लॉक में टू पावर एम वर्ड्स हैं यानी कि एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एम बिट्स लगेंगे इसका मतलब यह हुआ कि इतना पार्ट होगा एम बिट्स का ओके okay, यहां से पता चल रहा है ऑल्सो हमने ढूंढा है कि टू पावर पी रेस टू दी पावर पी माइनस डब्ल्यू वर्ड्स हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का होगा पी माइनस डब्ल्यू यानी कि ये टोटल यहां से यहां तक है P- माइनस डब्ल्यू बिट्स का ओके अब हमें पता करना है टैग में कितने बिट्स होंगे अगर मैं P- माइनस डब्ल्यू में से इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, टैग की बिट्स बच जाएंगे वही हमारा आंसर होगा बट इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यह भी ढूंढना पड़ेगा कि सेट फील्ड में कितनी बिट्स हैं ओके okay. तो अब यही ढूंढते हैं सबसे पहले आप देखो हमें पता है कि एक सेट में के ब्लॉक्स हैं क्योंकि ये के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है अगर मुझे ये पता चल जाए कि कैश में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं उसे के से डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ सेट्स पता कर लूंगा तो सेट फील्ड पता करने के लिए सबसे पहले ये ढूंढो कैश में ब्लॉक्स कितने हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश तो कैश है टू रेस टू पार एन माइनस डब्ल्यू वर्ड्स की ओके दिस इज टू रेस टू पार एन माइनस डब्ल्यू वर्ड्स और एक ब्लॉक में टू रेस टू दू वर्ड्स हैं अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन कैश को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ वर्ड्स इन वन ब्लॉक में तो मुझे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश पता लग जाएंगे यानी कि ये होगा टू रेज टू दिन माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू रेज टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन कैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन वन ब्लॉक ये आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश एंड दिस इज गोइंग टू बी टू रेज टू दाइनस डब्ल्यू माइनस एम ओके अब कैश में इतने ब्लॉक्स हैं सेट्स कितने होंगे देखो टोटल ब्लॉक्स कैश में इतने हैं एक सेट में के ब्लॉक्स हैं अगर मैं उसे के के साथ डिवाइड कर दूं मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं सो नंबर ऑफ सेट इन कैश दिस विल बी इक्वल टू टू रेस टू दी पार एन माइनस एम माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के यह न्यूमिनेटर है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन वन सेट तो सॉल्व करने पे मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ सेट्स इन कैश अब देखो ये टू रेस टू पावर कुछ नहीं है मींस इसे टू की पावर में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करो टू की पावर में ये के को मैं लिख सकता हूं टू रेस टू पावर लॉग टू द बेस टू के ओके अब इसे ऊपर ले जाओ यानी कि पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर एन माइनस एम माइनस डब्ल्यू और यह भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी सो दिस इज माइनस लॉग टू दू के ओके अब अगर टोटल इतने सेट्स हैं तो इनमें से एक सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी टोटल सेट्स हैं टू पावर समथिंग मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन एक सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इतनी बिट्स लगेंगे यानी कि जो पावर में है वो आप कॉपी कर लो सो दिस पार्ट इज एन माइनस एम माइनस डब्ल्यू माइनस लॉग टू बेस टू के अब आपका आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट पूरे एड्रेस के साइज में से इतना सब कर दो टैग फील्ड की लेंथ आपको मिल जाएगी दैट मीन्स पूरा साइज है पी माइनस डब्ल्यू उसमें से सब्रैक्ट करना है इतना पार्ट विच इज एन माइनस एम माइनस डब्ल्यू एन माइनस एम माइनस डब्ल्यू माइनस लॉग टू द बेस टू के प्लस एम ओके सो माइनस एम एंड प्लस एम विल गेट कैंसल्ड और इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो ये माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो आया वो है पी माइनस एन प्लस लॉग के मतलब कि टैग फील्ड में यहां पर इतनी बिट्स हैं ओके अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कहां पे टू रेज टू पावर है और कहां पे हमें लॉग में कन्वर्ट करना है पहली बार आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट दीज आर सिंपल थिंग्स ओके